किसी काम को ना करने के हमारे पास हजार बहाने होते हैं, लेकिन काम करने का एक भी नहीं, इसलिए हम सफलता से दूर रहते हैं। हम काम न करने के तरह तरह के बहाने बनाते हैं, जैसे मेरे पास धन नहीं है। इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी धन नहीं था, उन्हें अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े थे। मुझे बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। लता मंगेशकर को भी बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। मैं अत्यंत गरीब घर से हूँ। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी गरीब घर से थे। बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। प्रख्यात संगीतकार A.R. रहमान के पिता का भी देहांत बचपन में ही हो गया था। मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। उचित शिक्षा का अवसर फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला था। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। विश्व प्रसिद्ध KFC फ्राइड चिकन के मालिक ने 60 साल की उम्र में अपना पहला रेस्तरां खोला था। मेरी लंबाई बहुत कम है। सचिन तेंदुलकर की भी लंबाई कम है। बचपन से ही असवस्थ था। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मर्ली मेटलिन भी बचपन से बहरी व असवस्थ थी। मैं इतनी बार हार चुका हूँ, अब हिम्मत नहीं है। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने। एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत चली गई। प्रख्यात नृत्यांगना सुधा चंद्रन के पैर नकली हैं। मुझे ढेरों बीमारियां हैं। वर्जिन एयरलाइंस के प्रमुख भी अनेकों बीमारियों से ग्रस्त थे। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोनों पैर काम नहीं करते थे। मैंने साइकिल पर घूमकर आधी जिंदगी गुजारी है। निर्मा के करसन भाई पटेल ने भी साइकिल पर निर्मा बेचकर अपनी आधी जिंदगी गुजारी थी। मुझे बचपन से ही मंद बुद्धि कहा जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन को भी बचपन से ही मंद बुद्धि कहा जाता था। मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, इससे क्या होगा। धीरू भाई अंबानी भी छोटी सी नौकरी करते थे। मेरा 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, अब मैं क्या कर पाऊँगा। डिज्नीलैंड बनाने के पहले वाल्ट डिज्नी का 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। मेरे पास बहुमूल्य आइडिया है, लेकिन लोग ऐसे स्वीकार कर देते हैं। जेरोक्स फोटोकॉपी मशीन के आइडिया को ढेरों कंपनियों ने ऐसे स्वीकार किया था, लेकिन आज परिणाम सबके सामने हैं। इसके बावजूद कुछ लोग कहेंगे कि यह जरूरी नहीं कि जो प्रतिभा इन महानायकों में थी वह हम में भी हो। मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि जो प्रतिभा आपके अंदर है वह इन महानायकों में भी हो। सार यही है कि आज आप जहाँ भी हैं या कल जहाँ भी होंगे, इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए आज चुनाव करिए। सफलता और सपने चाहिए या खोखले बहाने। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।